यसूअल मसीह के अलकादर नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पादरी जमील नासर है और मैं चर्च ऑफ पेंटिकोस लाहौर पाकिस्तान की कलीसिया का पासबान हूं और मैं आपके साथ एक स्पेशल मैसेज शेयर करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि इन दिनों के अंदर एक बिल जो है वो असेंबली के अंदर पास करवाया गया, जिसे ट्रांसजेंडर बिल कहा जाता है या ट्रांसजेंडर राइट्स बिल कहा जाता है। बुनियादी तौर पर इस बिल की मुखालफत बहुत ज़्यादा हो रही है और बतौर पासबान होते हुए, बतौर क्रिश्चियन होते हुए, मसीही होते हुए और एक पास्टर होते हुए मैं भी अपने ख्यालात का इजहार इस पर कर चुका हूं। और बुनियादी तौर पर गुज़श्ता इतवार को मैंने इस पर मैसेज शेयर किया था कि ये ट्रांसजेंडर बिल 2018 बुनियादी तौर पर हिजड़ों, खुसरों, ख्वाजा सराओं के राइट्स पर यह बिल है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि गोया उनके कंधे के ऊपर बंदूक रख के निशाना कोई और है, क्योंकि इसके शुरू ही के अंदर जैसे इसका तारुफ पेश किया गया है तो तारुफ के अंदर ही लिखा है कि अगर आप महसूस करते हैं कि आप हैं लड़का, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी फीलिंग लड़की जैसी हो रही है या आपकी फीलिंग लड़की जैसी है, तो आप नादरा के ऑफिस के अंदर जाएं और जाकर नादरा से कहें उसके मेरा शिनाख्ती कार्ड, मेरा आईडी कार्ड जो है उसे तब्दील किया जाए, मेरा जेंडर जो है वो चेंज किया जाए। अब मुझे पहचान हुई है कि मैं पैदायशी तौर पर तो लड़का हूं, लेकिन अब मुझे पहचान हुई है कि मैं लड़का नहीं हूं, मैं लड़की हूं। लिहाजा आप मेरे आईडी कार्ड के ऊपर लिखें कि मैं लड़का नहीं, लड़की हूं। इसके लिए कानून ये कहता है कि आपको किसी मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और आप जाएं और जाकर अपना जेंडर जो है वो चेंज करवा सकते हैं। सो बतौर पासबान होते हुए मैं इस बात का इजहार कर रहा हूं और कलीसिया को इंतबाह कर रहा हूं, पासबानों को इंतबाह कर रहा हूं, लीडरशिप को इंतबाह कर रहा हूं कि कल अगर कोई लड़का अपना सर्टिफिकेट लेकर, अपना आईडी कार्ड लेकर या पासपोर्ट लेकर या लाइसेंस लेकर आ जाता है, होता वो लड़का है और उसके ऊपर लिखा लड़की होता है, तो क्या पासबान, क्या पास्टर्स, क्या लीडर उसका निकाह करेंगे या नहीं करेंगे? अगर तो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आप रजिस्ट्रार हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ही आपको ये हक दिया है कि आप निकाह की सरमनी अदा करें और वो दोनों लीगल हैं। लीगल इसलिए है कि उनके पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नादरा का आईडी कार्ड है और उनका रिकॉर्ड के ऊपर लिखा है कि एक इनमें लड़की है, एक इनमें लड़का है, हालांकि दोनों ही हम जिंस हैं। सो इस तरह बहुत ज़्यादा खदशा है आइंदा दिनों में इस बिल की आड़ में क्रिश्चियन लोग जो हैं, मसीही जो हैं, चर्चिज जो हैं, वो इस सरमनी को अदा कर सकते हैं। सो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इस बिल को ज़रूर पढ़िएगा और इस पर अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। मजीद आप वीडियो देख सकते हैं, संडे को जो मैंने मैसेज दिया है उसमें मैंने मजीद इस पर रोशनी डाली है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।